नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कुछ दिनों से मैं YouTube स्टोरीज पे बहुत सारे ऑफिस लुक्स डाल रही हूँ एंड यू गाइस हैव बीन लविंग देम। एंड एक क्वेश्चन जो आप में से बहुत लोगों ने मुझे पूछा इज द शूज दैट आई वेयर। सो अभी क्योंकि ऑफिस ऑलमोस्ट 2.5 years के बाद खुले हैं, यू नो इवन जब मैं मॉन्स्टर एनर्जी में थी तब भी मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रही थी एंड देन ऑफकोर्स द लॉकडाउन। सो नाउ व्हेन आई वेंट बैक टू ऑफिस एट लॉरियल आई रियलाइज कि आई रियली नीड टू बाय अ लॉट मोर क्लोथ्स एंड शूज क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं ऑफिस के लिए। सो लेट मी शेयर whatever I've shopped with you. Kuch shoes turned out really nice, some were average, so I'll tell you what I liked and what I didn't. But before I get started, I think the big thing for me when I look for office shoes now is comfort. So I love wearing heels, but I have realized over the years ki wearing block heels is much better. So jo bhi main footwear leti hu, I always try ki it is super comfortable taki main pura din I can, you know, be standing, taking my calls, running here and there and still look fabulous. So let's get started. So one of my favorite shoe brands over the years has been Zara. I think उनका shoe मेरे को बहुत perfectly fit आता है। मेरा size 39 है and it always fits like a dream. So the first shoe is this beautiful transparent heel. ये आपने देखा होगा this season this has really really picked up and all the brands seem to be doing this now. The thing about this is if the heel is a little bit high but it's still extremely comfortable. I love wearing this to office. In fact, this is one of my go-to shoes when it comes to office. And the other heel is a white colored heel. ये भी Zara से है. इसकी heel थोड़ी कम है and it has these straps. Now personally I feel कि जो पहला shoe था जिसपे वो पूरा covered था rather than the straps, that's a little more comfortable versus the straps where you wear them for a long time and you're standing, so they really dig into your feet. But overall the shoe is very very comfortable and both of these are like a 10/10 for me. तो जब मैं शूज खरीदना चाहती थी ना, व्हाट आई रियलाइज्ड इज आई डोंट लाइक बाइंग शूज ऑनलाइन क्योंकि साइज का मुझे कभी पक्का पता नहीं चलता है. सो आई वेंट टू द मॉल एंड आई लैंडेड ऑन द स्टोर कॉल्ड इंक 5 and I bought two of their shoes and after that I'm not kidding guys, I have been obsessed. मुझे really लगता है कि office wear के लिए इनके shoes बहुत ज़्यादा comfortable, like 20/10 in comfort, 10/10 in style and just the pricing is also very very affordable, right? So the first two shoes I bought from there were this black suede shoe. I'm not kidding, अगर मैं ये shoe पहनती मैं भाग सकती हूँ, literally it is उतना ज्यादा कंफर्ट है एंड 9/10 टाइम्स आई एंड अप वेयरिंग दिस फॉर वर्क. इतना ज्यादा कि मैंने अब ऑलरेडी इनसे एक और ब्लैक शू ऑर्डर किया है क्योंकि ब्लैक ऑफ कोर्स इज माय गो टू कलर क्योंकि मेरे जो लोअर्स होते हैं मोस्टली आई वेयर अ लॉट ऑफ ब्लैक पैंट्स सो इट गोज रियली वेल विद दैट. एंड बिकॉज द शू वॉज इतना ज्यादा कंफर्टेबल आई एक्चुअली बॉट द सेम इन अ न्यूड कलर. ये जो न्यूड कलर है मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये इंडियन वेयर के साथ भी बहुत अच्छा जाता है एंड वेस्टर्न वेयर के साथ भी एंड स्पेशली इफ यू आर वेयरिंग अ ब्राइट आउटफिट, राइट? लाइक कभी आई वेयर अ पिंक ब्लेजर और समथिंग रियली रियली ब्राइट टू वर्क, तो आई कीप रेस्ट एवरीथिंग एल्स इन अ वेरी न्यूट्रल टोन एंड सो दिस शू गोज रियली रियली वेल विद दैट. और इसी ब्रांड से इनफैक्ट मैंने एक ग्रे कलर का शू भी लिया है. ये डिजाइन भी अगर आप देखेंगे आपने बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखा होगा, काई ऑल्सो हैज समथिंग सिमिलर. सो इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई एक्चुअली बॉट एक पिंक कलर का शू ऐसा फ्रॉम काई एंड इट वॉज लुकिंग हॉरिबल ऑन मी. आई एक्चुअली नेवर एंडेड अप वेयरिंग इट क्योंकि वो जो फ्लैट पार्ट था ना आगे का वो बहुत ज्यादा बल्की लग रहा था, इट वॉज नॉट सूटिंग माई फीट. सो आई एक्चुअली गेव इट टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स. But somehow this, though it's a very similar design, it does not look very bulky when you're wearing it. So I much prefer this to the one I bought from Kai. So now that we're talking about Kai, I have actually purchased quite a few things from them. My favorite are these green heels. अब these heels are absolutely beautiful. Unfortunately, इसका जो आगे का strap है, is not very comfortable. तो मेरे जो फीट है ना वो थोड़े से ब्रॉड है एंड समहाउ आई डोंट फाइंड दीज वेरी कंफर्टेबल टू वेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट दे लुक वेरी ब्यूटीफुल. बट कंफर्ट वाइज आई वुड से 6/10. बट काई के जो फ्लैट्स हैं आई एब्सोल्युटली लव दम. इनफैक्ट ये जो ब्राउन पेयर ऑफ शूज है ये आई हैड दीज इन ब्लैक ऑल्सो एंड जो कहते हैं ना एकदम जूते को रगड़ना, लाइक दैट्स व्हाट आई डिड बिकॉज आई लव दीज ब्लैक फ्लैट्स सो मच. आई टेंड टू वेयर देम ऑल द टाइम सो दैट्स व्हाई आई गॉट देम इन अनदर कलर. द नेक्स्ट ब्रांड इज फॉरएवर 21. ये एक ऐसा ब्रांड है जो मुझे लगता है इनके डिजाइन अच्छे हैं बट ऑल्सो देयर प्राइसेज आर वेरी वेरी गुड स्पेशली इफ यू मैनेज टू गेट देम ऑन सेल. तो दीज आर टू शूज दैट आई गॉट फ्रॉम देम एंड मेरे ऑफिस में एक्चुअली वी एंड अप वेयरिंग अ लॉट ऑफ डेनिम्स, नॉट जस्ट ऑन फ्राइडे बट ऑल्सो लाइक मंडे टू थर्सडे वेयरिंग जीन्स इज वेरी कॉमन एंड दीज लुक स्टनिंग विद जीन्स एंड लाइक अ नाइस व्हाइट शर्ट. सो आई एक्चुअली वेयर दीज वेरी ऑफन और इनके एंगल के अराउंड देयर इज अ स्ट्रैप सो इट रियली कीप्स योर फुट ऑल्सो वेरी फर्म
एंड दैट्स व्हाई दे आर ग्रेट इफ यू हैव टू स्टैंड फॉर लॉन्ग आवर्स. एंड फॉरएवर 21 के फ्लैट्स भी एक्चुअली काफी क्यूट है. सो आई हैव बॉट दिस ग्रीन स्लाइटली लाइट विंटेज ग्रीन फ्लैट फॉर देम. दिस ऑल्सो लुक्स रियली नाइस विद यू. तो जैसे मैंने इस वीडियो के बिगनिंग में कहा था, आई एम नाउ 30 एंड आई एम रियली चूजिंग कम्फर्ट ओवर फैशन, स्पेशली मोर सो आफ्टर द लॉकडाउन. तो इस सीजन के बिगनिंग पे मैंने बहुत ही एडवेंचरसली दो स्टिलेटोज लिए थे. वन ऑफ देम दीज येलो वंस आर फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड स्टॉक एंड दीज आर सो ब्यूटीफुल, सो कंफर्टेबल. बट ऑनेस्टली अब आई एम नो लॉन्गर एट दैट स्टेज जहां मैं पूरा दिन के लिए स्टिलेटोज पहन के ऑफिस में घूम सकती हूँ. सो आई पर्सनली डोंट रेकमेंड वेयरिंग स्टिलेटोज एट वर्क एट ऑल. एंड दी अदर शूज आर फ्रॉम स्टीव मैडन. इनफैक्ट जब मैं क्लब महिंद्रा में थी, आई यूज टू लव वेयरिंग हील्स. लाइक आई यूज टू वेयर स्टिलेटोज ऑल द टाइम टू वर्क. बट आई गेस दैट इज वॉट उम्र का तकाजा जिसे कहते हैं ना, ये वही है बेसिकली. या बट दीज वर सम ऑफ माई फेवरेट शूज. आई हैव एक्चुअली परचेज अ फ्यू मोर शूज फॉर इंक 5 बिकॉज आई रियली फील लाइक ऑफ ऑल द ब्रांड्स आउट देयर दे आर द मोस्ट कम्फर्टेबल. यू नो जस्ट इन टर्म्स ऑफ देयर फिट, द डिजाइन, एवरीथिंग इज रियली रियली नाइस. सो आई हैव परचेज सम मोर शूज फ्रॉम देम. बट आई होप यू एंजॉयड दिस लिटिल शू हॉल एंड डू कमेंट एंड लेट मी नो इफ यू बाय एनी ऑफ दीज. एंड डोंट वरी, इनके बाइंग लिंक्स मैं सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल see you all next time.